हर किसी का एक सपना होता है कि वह छुट्टियों में अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ लेह लद्दाख जाए और वहां जाके बाइक राइडिंग करे और बहुत सारा फोटोशूट करवाए। तो चलिए आज हम आपको ले जाने वाले हैं लेह लद्दाख की रोमांचक सफर के लिए, तो तैयार हो जाइए। वैसे तो लेह की डायरेक्ट फ्लाइट भी मिलती है, लेकिन बाइक से जाने का मजा ही कुछ और है। अगर देखा जाए तो लेह दिल्ली से लगभग 1000 किलोमीटर होता है। अगर आप श्रीनगर के रास्ते से जाए तो 420 किलोमीटर होता है, लेकिन सबसे ज्यादातर लोग मनाली से बाइक लेके जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यह रास्ता एडवेंचर से भरपूर है, साथ साथ बीच में आने वाली कई सारी नेचुरल फीलिंग्स का भी अनुभव कराता है। यह रास्ता भारी हिमवर्षा के कारण सिर्फ मई जून से अक्टूबर तक 4.5 महीने ही खुला रहता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा भी कम होती जाती है, जिसकी वजह से सांस लेने में दिक्कत, सिर दर्द, चक्कर आना और वोमिट की परेशानी भी आम बात है। बहुत से लोग इस परेशानी से गुजरते हैं, इसीलिए लेह जाने से पहले एक दिन मनाली में बिताना चाहिए। मनाली में हर बजट के होटल भी अवेलेबल है। मनाली से लेह के बीच में कई सारी देखने लायक जगह है, जिसमें रोहतांग पास, कोकसर, सिस्सू, केलांग, चिस्पा, दारचा, चिंजिंगबार, बरलाचा पास, सरचू, पांग, तंगलंग पास, उपशी शामिल है। इसमें से कई जगह ऐसी भी है जहां पर आप लोग नाइट आउट भी कर सकते हैं, और कई जगह पर होटल और गेस्ट हाउस की भी सुविधा उपलब्ध है। अगर आप सिस्सू में रुके तो यहाँ पे चंद्रा नदी के उस तरफ एक सुंदर झरना भी है, जो देखना मत भूलिए। चलिए अब बात करते हैं पेंगोंग लेक के बारे में, जो 12 किलोमीटर लंबा होने के साथ साथ 43,000 मीटर की ऊंचाई पर है, जिसका तापमान -5 डिग्री से -10 डिग्री के बीच में रहता है। यह लेक बर्फ के मौसम में पूरी तरह से जम जाती है। आपको पता ही होगा 3 इडियट्स की शूटिंग भी यहाँ हुई थी, और इसकी वजह से इस लेक को काफी सारी लोकप्रियता मिली थी। पेंगोंग लेक अपनी प्राकृतिक सुंदरता, क्रिस्टल जल और कोमल पहाड़ी क्षेत्र के सुंदर परिदृश्य की वजह से लेह लद्दाख का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। आपने मैग्नेटिक हिल का नाम तो सुना ही होगा, जिसका रहस्य पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है। यह हिल एक ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है। यह हिल ढलान के नियम के विरुद्ध वर्क कर रहा है। सामान्य रूप से कोई भी गोल वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है, लेकिन इस हिल में गोल वस्तु नीचे से ऊपर की ओर जा रही है। है ना गजब की बात। इस हिल की यह बात सच में बहुत ही आश्चर्यजनक है। चलिए अब लेह पैलेस के बारे में बात करते हैं, जिसे लाचेन पालखर के नाम से भी जाना जाता है, जो लेह लद्दाख का एक फेमस ऐतिहासिक स्थल है। इस भव्य और आकर्षक संरचना को 17th सेंचुरी में राजा सेगंगे नामग्याल ने एक शाही महल के रूप में बनवाया था, और इस हवेली में राजा और उनका पूरा राजसी परिवार रहता था। अब बात करते हैं दर्शनीय स्थल फुकताल मठ के बारे में। चुकरी बोली में फुक का अर्थ गुफा और ताल का अर्थ आराम होता है। यह 2250 साल पुराना मठ एकमात्र ऐसा मठ है जहाँ पर पैदल यात्रा करके पहुँचा जा सकता है। फुकताल मठ लद्दाख के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक है, और ट्रैकिंग प्रेमियों के लिए एक बहुत खास जगह है। अगर आप लेह की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो इस पर्यटन स्थल की सैर करना न भूलें। बात करते हैं धार्मिक स्थल गुरुद्वारा पत्थर साहिब के बारे में। गुरुद्वारा पत्थर साहिब लेह से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस खूबसूरत गुरुद्वारा को 1517 में गुरु नानक जी की याद में बनाया गया था। जैसा कि इसके नाम से समझ आता है कि लेह का यह तीर्थ स्थल एक अचल चट्टान है। यह जगह कई ट्रक चालकों और सेना के काफिलों के लिए एक बहुत ही खास जगह है। चलिए अब बात करते हैं खारदुंगला पास के बारे में। खारदुंगला पास को लद्दाख क्षेत्र में नुब्रा और श्योक घाटियों के प्रवेश द्वार के रूप में जाना जाता है। खारदुंगला दर्रा, जिसे आमतौर पर खड़जोंगला पास भी कहा जाता है, यह सियाचिन ग्लेशियर में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक पास है, जो 5602 मीटर की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर सक्षम पास के होने का दावा करता है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और हवा यह महसूस करवाती है जैसे कि आप दुनिया के शीर्ष पर हो।
अगर आप घूमने जाए और शॉपिंग ना करें ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ शॉपिंग करने के लिए लेह शहर के बीच में एक मार्केट है जहाँ से आप खूब सारी शॉपिंग कर सकते हैं। इस मार्केट में कई छोटे तिब्बती बाजार और स्मारकों की दुकानें हैं जो काशीदाकारी पेज जैसे विभिन्न लेख पेश करती है, जो कस्टम मेड पश्मीना शॉल, प्रार्थना के पहिए और विभिन्न चांदी की कलाकृतियों के रूप में हो सकते हैं। शॉपिंग करने के अलावा आप यहाँ लेह के कई तरह के स्थानीय भोजन का भी आनंद ले सकते हैं। अगर आप लेह लद्दाख की यात्रा करने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पर झास्कर नदी पर राफ्टिंग करना एक खास अनुभव दे सकता है। झास्कर नदी भारत का ग्रैंड कैनियन भी कहा जाता है। झास्कर नदी राफ्टिंग दुनिया की सबसे अच्छी नदी यात्राओं में से एक है, लेकिन अगर आप राफ्टिंग के लिए जाते हैं तो अपने साथ पर्याप्त पीने के पानी ले जाना न भूलें। नदी में राफ्टिंग करने के लिए आप गाइड द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें। जून से लेकर सितंबर के महीने राफ्टिंग के लिए अच्छे हैं। लेह लद्दाख को माउंटेन बाइकर्स का स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ पर हर साल हजारों पर्यटक खड़ी ढलानों और एड्रेनालाइन के रास्ते बाइकिंग का मजा लेने के लिए आते हैं। साहसी माउंटेन बाइकर्स के लिए लेह मनाली राजमार्ग शानदार सड़क है जहाँ से सुरमई परिदृश्य का आनंद ले सकते हैं। लद्दाख में माउंटेन बाइकिंग के लिए सबसे अच्छा समय मई से सितंबर तक का है। यहाँ पर चांगटांग वन्यजीव अभयारण्य में सोमरेरी नाम की झील स्थित है जिसे पेंगोंग झील के जुड़वा भी कहा जाता है। वैसे तो इस झील के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर पर्यटकों की ज्यादा भीड़ नहीं होती। अगर आप लेह जाए तो अपने पर्यटन स्थलों की सूची में इस शांत झील का नाम जरूर शामिल करें। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही और नए नए टूरिज्म प्लेस के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।